केंद्र सरकार के राष्ट्रीय आजीविका मिशन ने महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त किया है, वहीं इन्हें संबल भी दिया है। देखिए बड़वानी से हमारी यह कल्पना जी। सेंधवा के सेमलिया में अपनी खास पहचान रखने वाली कल्पना जी महिला सशक्तिकरण और आर्थिक आत्मनिर्भरता के लिए महिलाओं के बीच मिसाल बन गई हैं। आज उनकी अपनी परचून की दुकान है, वहीं वे मनिहारी चूड़ी दुकान और सिलाई का काम भी कर रही हैं। आजीविका मिशन से जुड़ी हुई कल्पना संजीवनी निधि में भी सेवाएं दे रही हैं। उनके योगदान से परिवार की आर्थिक स्थिति भी मजबूत हो गई है। आजीविका मिशन के पहले वे एक साधारण गृहिणी थीं जो एक छोटी सी दुकान चलाकर परिवार का भरण पोषण करती थीं। बाद में वे आजीविका समूह से जुड़ी जिससे उनके जीवन में बहुत बदलाव आया। आज वे जिला स्तर पर महिला आजीविका संजीवनी निधि में भी अध्यक्ष का पद संभाल रही हैं। ब्लॉक के साथ साथ जिलों के गांवों में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। तब मैं आजीविका मिशन से जुड़ी। आजीविका मिशन से जुड़ने के बाद में मुझे बचत करने का मौका मिला। बचत करके मैं कैसे क्या बचत का इस्तेमाल करूं और अपने गतिविधियां बढ़ाऊं, ऐसा मुझे लगा। तो आजीविका मिशन से जुड़ी, तब बचत करके हमने जो पैसा इकट्ठा करा उससे हमने थोड़ा थोड़ा लोन लिया। पहले लोन लेके मैंने एक मशीन खरीदी। मशीन खरीद के मैंने मशीन से सिलाई वगैरह चालू करी, उससे मेरी थोड़ी आमदनी बढ़ने लगी और मुझे थोड़ा विश्वास हो गया कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। विकास खंड सेंधवा की में 2100 के लगभग समूह बने हुए है और 22,000 महिला इस समूह से जुड़ी हुई है। हमारे यहाँ पे आजीविका मिशन के माध्यम से इन महिलाओं को आर्थिक स्थिति से सुधार करने के लिए, उन्हें अपनी गरीबी से ऊपर उठाने के लिए विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलाई जा रही है, जिसमें मुख्यतः चूड़ी निर्माण है, सिलाई का काम है, बकरी पालन है, भैंस पालन है, किराना दुकान है, आटा चक्की है, अगरबत्ती निर्माण है। इस प्रकार की विभिन्न गतियां जो है गतिविधियों से महिलाओं को जोड़ के और विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के माध्यम से इन्हें और आगे बढ़ने की प्रेरणा दी जा रही है। ग्रामीण अंचल के ग्राम सेमलिया की महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर किराना दुकान और फल सब्जी बेचने का व्यवसाय जो चालू किया है, वो अपने आप में एक बहुत ही शानदार और महिलाओं का उन्नतीकरण के लिए एक बहुत अच्छी योजना सरकार ने चालू की है। इस योजना से जो पहले महिलाएं मजदूरी करके अपने जीवन यापन गुजारती थी, आज वो अपने पैरों पे खड़े होके एक सभी के लिए मिसाल बन गई है। इस योजना से उन्होंने जो रोजगार प्राप्त किया है उससे उनके आर्थिक रूप से वो संपन्न हुई है और सेंधवा विकास खंड के अंदर भी कई महिलाएं अपना समूह बनाकर कार्य कर रही है। इस योजना से कई महिलाओं को रोजगार प्राप्त हो रहा है और इससे मैं ये चाहता हूँ कि देश की अन्य महिलाएं भी इससे प्रेरणा लेकर इस कार्य को अंजाम दें। इस समूह के माध्यम से उन्हें जो दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाले व्यवसाय के संबंध में प्रेरित किया गया और इस मामले में इस क्षेत्र में बहुत अच्छा समूह काम कर रहा है और उनके स्वरोजगार के संबंध में विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं, जैसे सिलाई मशीन का काम कर रहे हैं या कुछ सामग्री महिलाओं से संबंधी सामग्री बनाने का काम कर रहे हैं, तो इस संबंध में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।